सब्सक्राइब करें माय आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जितना हम अपना नॉर्मल तीरा रखते हैं उससे कम से कम हमें इसमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है। जैसे हम अपना तीरा 7 इंच रखते हैं तो इसमें हमें कम से कम 8.5 इंच रखना पड़ेगा। इसके बाद हम अपने आर्म होल और बाकी कुर्ती की कटिंग करते हैं और पीछे का तीरा भी हम सेम रखते हैं, लेकिन पीछे के गले की गहराई हम ज़्यादा नहीं रखते। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। बाकी कटिंग करने के बाद हम आर्म होल की साइड कम से कम 2 इंच जगह छोड़ते हैं और आप ये जगह 2 इंच से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, जैसे 2.25 इंच भी छोड़ सकते हैं। लेकिन तैयार होने के बाद जैसे इधर से हम अपनी बाजू जोड़ते हैं और इधर से हमारा थोड़ा सा गले की सिलाई में जाएगा, तो बीच में हमारा 1 इंच कम से कम बचना चाहिए। इसके बाद हम एक निशान 6 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे, जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है इसमें मिला देंगे। इसके बाद हमने जो ये 6 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम इसको सीधा रखेंगे और सीधी साइड ही हम एक कपड़ा लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे। फिर हम इसको पलटेंगे यानी उल्टी साइड से। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको सीधा करते हैं और इसी शेप में हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम अंदर से भी इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम एक कट इसके बीच में लगाएंगे, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और छोटे छोटे कट हम इस पूरे डिज़ाइन पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे और हमारा ये जो कपड़ा है ये हमारा कपड़ा पट्टी की साइड होना चाहिए और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें इसको बिल्कुल खींच के रखना है इधर से, यानी ये कपड़ा हमारा इस तरह से सिकुड़ना नहीं चाहिए, इसको सीधा रखना है बिल्कुल, और पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जब हम गले के बीच में आएंगे तो हमें ये पट्टी इस तरह से करनी है और इसको भी हमें खींच के रखना है यहाँ पर। इस तरह से करके हम मशीन उठाएंगे और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटते हुए इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरह से इसको अंदर को मोड़ते हुए
बराबर मोड़ना है हमें इसको। यहाँ पर एक सिलाई लगा दे बड़ी करके और बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। और आप चाहें तो साथ के साथ भी इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं, यानी सिलाई ना लगा के आप पहले इस पर तुरपाई कर लें। मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है और इसके बाद हम ओरे पट्टी काटते हैं। और इस ओरे पट्टी की चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रख ले, यानी 1.25 इंच के आसपास। और हम सीधी साइड से थोड़ा सा ऊपर इस ओरे पट्टी को यहाँ से थोड़ा ऊपर रखेंगे। एक ओरे पट्टी हम इस साइड लगाएंगे और एक ओरे पट्टी इस साइड लगाएंगे। और इस ओरे पट्टी को ना तो हमें लूज छोड़ना है और ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, यानी नॉर्मल रखना है। एक साइड मैंने ये ओरे पट्टी लगा ली है और इसको हमें थोड़ा आगे से काटना है। और जब हम दूसरी साइड ये ओरे पट्टी लगाएंगे तो हमें इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा इसको छोड़ देना है, यानी ओरे पट्टी को छोड़ देना है, तब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड ओरे पट्टी लगाने के बाद हम इस ओरे पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड करेंगे। और हमारा ये जो कपड़ा है ये ओरे पट्टी की तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी, लेकिन पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी बिल्कुल इसके सामने तक। इस तरह से पहले एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद हम इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे। ये सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके ये सिलाई लगाएंगे और फिर ये सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे। दोनों साइड ये पट्टी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर प्रेस कर ली है और फिर इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। इस तरह से इसको पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे, हमें यहाँ पर तुरपाई नहीं करनी है, केवल यहाँ पर तुरपाई करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड इसमें तुरपाई कर ली है। इसके बाद ये मैंने ओरे कपड़ा काटा हुआ है, आप चाहें तो ओरे पट्टी काट के अलग कर सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से फोल्ड करिए। और हमें यहाँ पर जिस तरह से हम डोरी सिलते हैं इस तरह से एक सिलाई लगानी है, लेकिन डोरी हम बारीक सिलते हैं, इसको हमें थोड़ी सी चौड़ाई में सिलना है। ये देखिए, ये हमें एक पैर से भी ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी है थोड़ी सी। इसके बाद जब हम लास्ट में आते हैं तो हम इसको इस तरह से बंद कर देते हैं इधर से। आप चाहें तो इस पर दो सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद जिस साइड से हमने हिस्सा बंद किया हुआ है उस साइड से हम किसी भी चीज़ से इसको सीधी कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मोटी है तो ये किसी भी चीज़ से आसानी से सीधी हो जाएगी। देखिए, एक साइड से ये हमारी डोरी बाहर निकल चुकी है और आप चाहें तो इसको इस तरह से बाहर निकाल के इसके बाद हम इसको सीधी कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जिस साइड से हमारी डोरी बंद थी वहाँ से हम उसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम एक नाड़ा लेते हैं जिनको हम अपनी सलवार वगैरह में डालते हैं, और ये दो तरह के आते हैं, एक तो गोल आते हैं
और एक बिल्कुल फ्लैट आते हैं, तो ये हमें गोल वाला लेना है इस तरह का। इसके बाद हम एक सेफ्टी पिन लेते हैं और सेफ्टी पिन आप थोड़ा छोटा ले लें और उसको इस तरह से इसके अंदर डालते हैं और इसको हम थोड़ा सा कपड़े को इस तरह से खींच लेंगे या आप किसी चीज़ से इसको निकाल सकते हैं थोड़ा सा बाहर को। और ये देखिए आसानी से हमारे अंदर चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक दो सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये निकले ना। इसके बाद ये मैंने एक पेपर लिया हुआ है और इसको कई बार फोल्ड किया हुआ है, हम इसमें लटकन लगाएंगे और आप सेम कलर के लटकन भी लगा सकते हैं और बाज़ार से लाकर भी आप लटकन लगा सकते हैं। और इसको हम इस तरह से लपेटते जाएंगे, जितना धागा हमें लपेटना है उतना धागा लपेटने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने जो डोरी बनाई है हम उस डोरी को लेते हैं और इस तरह से हम उसको ऐसे करेंगे पहले, और इसके बाद हम सुई में डबल धागा डाल के जोहरा में उसमें गांठ लगा देते हैं। और पहले हम यहाँ पर दो तीन टाके लगाएंगे, यानी इनको हम यहाँ से इस तरह से सील लेंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से लपेटते जाएंगे टाइट करके। यहाँ तक लपेटने के बाद हम इसको इस तरह से थोड़ा नीचे ले आएंगे धागे को, और यहाँ पर सुई से पक्का कर देंगे इसको। और इस धागे को हम इनके बराबर कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम सुई में इसी तरह से धागा डालते हैं और उसको देखिए यहाँ पर हम पहले इतना छोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह से उसको भी हम लपेटते जाएंगे। इस तरह से लपेटने के बाद जो धागा हमने नीचे छोड़ा हुआ था उसमें हम इस तरह से दो तीन गांठ लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे और इसमें हम बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे और इनको इस तरह से बिल्कुल सीधा करके बिल्कुल बराबर करके तब इनकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम एक सेफ्टी पिन में अपनी डोरी को इस तरह से डालते हैं और इस साइड से हम इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद हम यहाँ पर तीरे के साथ इसको सील देंगे और दोनों साइड हमें इसी तरह से डोरी डालनी है। इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है और यहाँ से हम इसको तीरे के साथ सील देते हैं दोनों साइड से, और जिसमें हमारी ये जगह कम होती है उसमें हमें इस तरह की स्टेप ज़रूर लगानी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
One, two, three, four.